और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया। तो बड़ी जानकारी, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया गया है। डीडीएमए की बैठक में ये फैसला लिया गया है। बाजार से ऑड इवन सिस्टम खत्म करने पर फैसला हुआ है। तो दिल्ली में जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। हालांकि नाइट कर्फ्यू दिल्ली में जारी रहेगा, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया गया है। बताते चले कि 11 बजे सुबह से डीडीएमए की बैठक चल रही थी, जिसमें ये अहम फैसला लिया गया था। दो बड़े मुद्दे, ऑड इवन सिस्टम मार्केट से खत्म करना और वीकेंड कर्फ्यू हटाने पर फैसला लिया जाना था। और इसी पर ये फैसला लेते हुए वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया गया है। और बाजारों में, मार्केट में जो ऑड इवन सिस्टम लागू किया गया था, उसको भी खत्म कर दिया गया है। तो बाजार से ऑड इवन सिस्टम खत्म कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू हालांकि अब भी जारी रहेगा। तो कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट के मद्देनजर डीडीएमए ने अपनी बैठक में फैसला लिया है। तो डीडीएमए की बैठक में ये फैसला लिया गया है, जिसमें ये साफ किया गया है कि बाजार से ऑड इवन सिस्टम खत्म किया गया और दिल्ली में हालांकि नाइट कर्फ्यू जो है वो जारी रहेगा। तो नाइट कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा। डीडीएमए की बैठक में ये फैसला लिया गया है। दिल्ली में 50% क्षमता से जो रेस्टोरेंट है, जो बार है, वो भी खुलेंगे। 50% की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल भी खोले जाएंगे और शादी समारोह में 200 लोगों को अब अनुमति दी जा सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है डीडीएमए की। जो डीडीएमए की बैठक हुई, इसमें ये अहम बिंदुओं पर फैसले लिए गए। नाइट कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा। दिल्ली में 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और बार खोले जा सकते हैं और जो सिनेमा हॉल है उनमें भी जो लोगों की क्षमता होगी वो 50% होगी। शादी समारोह में 20 लोगों को आने की जानकारी थी, लेकिन अनुमति थी और अब उसे खत्म करते हुए और उसे बढ़ाते हुए अब 200 लोग किसी भी शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। तो डीडीएमए की इस अहम बैठक में इन तमाम बिंदुओं पर फैसला लिया गया है। डीडीएमए की बैठक में ही फैसला हुआ है। अजय चौहान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, दिल्ली में हालांकि नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बिल्कुल, देखिए, जिससे सुबह से 11 बजे से डीडीएमए को लेकर के बैठक की जा रही थी, वीकेंड कर्फ्यू खोला जाए या नाइट कर्फ्यू खोला जाए या साप्ताहिक बाजार खोली जाए। देखिए, जिस तरीके से फैसला आया है, तो वीकेंड कर्फ्यू को हटाने की बात कही गई है। अब देखिए, इसमें लगातार कई चीजें और भी है, जैसे साप्ताहिक बाजार है या ऑडिबन है, इस पर अभी फैसला रुका हुआ है। तो देखिए, लगातार वीकेंड कर्फ्यू हटने से क्या होगा, ये जो मार्केट है, लेकिन मेन मार्केट जो लोगों की जो मांगे थी वो ऑडिबन को हटाने की थी। वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है, लेकिन साथ साथ अगर देखा जाए तो लोगों का जो रोजगार है वो अभी रुका हुआ है। तो देखिए, अभी इसमें डीडीएमए, लेकिन अच्छा, इसी बीच ऐसी भी जानकारी है कि जो दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार हैं वो भी 50% के साथ खुलेंगे और जो सिनेमा हॉल है उसमें भी जो लोगों की क्षमता रहेगी वो 50% की रहेगी। देखिए, अगर बात करो, ये 50% जो खोला गया था वो पहले से ही लागू था और लोग अंदर, लेकिन यहाँ वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं थी, पैकिंग की थी, लेकिन छूट दी गई है हल्के। तो हो सकता है कि अब आने वाले पक्ष में और इसमें छूट दे, यानी हो सकता है कि सरकार की तरफ से और भी आने वाले दिनों में कोरोना के जिस तरीके से लगातार मामले घट रहे हैं उनमें गिरावट देखी जा रही है, लोगों को और राहत मिल सकती है। अजय, बिल्कुल, देखिए, राहत तो मिलेगी क्योंकि अभी ये स्टार्ट किया है और आज मीडिया में जो फैसला है, अभी वीकेंड कल को हटाने की बात कही है, दिल्ली वासियों के लिए है, क्योंकि दो दिन काफी छुट्टियों का दिन भी होता था, लोग कम नहीं करते थे, लेकिन वीकेंड कल को हटाने से कुछ तो राहत मिलेगी दिल्ली वासियों। लेकिन अजय, ये जो वीकेंड कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया गया था, क्या ये आज से ही लागू होगा, क्या ये आज से ही हटेगा या फिर आने वाले इसकी कोई समय सीमा तय की गई है? अभी डीडीएमए से फैसला किया गया है, इसके बाद जब दिल्ली सरकार इसका फैसला करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसके बाद ये लागू किया जाएगा। ठीक है अजय, और क्या कुछ इस बैठक में क्या कुछ और फैसले लिए गए, किन और बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ, किन और बिंदुओं पर फैसले लिए गए, कुछ अहम मुद्दे? देखिए, जो मेन मुद्दे थे, यानी स्कूल की हम बात करें, शादी समारोह की बात करें, इन पर अभी जो रोक दिया गया है, क्योंकि फरवरी के लास्ट में बात करी कि स्कूल को खोला जाए, लेकिन उस पर अभी विराम लगाया गया है। बाकी अभी जो वीकेंड कर्फ्यू है, इसी को खोलने की बात करी है। अभी कहीं ना कहीं देखा, अगर बात करें तो जो
व्यापारी लोग हैं, व्यापार मंडल लोग हैं, मार्केट हैं, वो भी नाराज ही नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उनकी मांगे थी कि कर्फ्यू हटाया जाए और रोड इवन को हटाया जाए, तो देखिए कहीं ना कहीं भी नाराजगी है। लेकिन अभी दिल्ली सरकार इसको स्पष्ट करेगी कि इन्होंने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसके बाद ही क्लियर होगा कि क्या क्या इसमें खोला गया है और किस डेट से लागू किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर व्यापारियों की जो नाराजगी है वो सरकार के प्रति और ना बढ़े, लोग और ज्यादा आक्रोशित ना हो, इसको लेकर भी ये अहम फैसले माने जा सकते हैं। अजय, देखिए दिल्ली सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हमने जो व्यापारियों की जो ओडिवन मार्केट की दुकान थी खोलने की बात कही थी, वो एलजी पर फाइल पहुंचा दी गई थी। लेकिन आज जिसका डीडीए में बैठक की गई है तो उसमें क्या मांगे रखी गई हैं उसमें रोकी गई है, अब तो एलजी इस पर स्पष्ट करेंगे कि उनको जो मार्केट है जो खोली जाएंगी या नहीं खोली जाएंगी, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अजय, यानी कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं जिनको कोरोना की दोनों डोज लग चुकी है, क्या उनके मद्देनजर उनको लेकर भी कुछ फैसले लिए गए हैं कि वो उनको कहाँ पर जाने की अनुमति होगी, या फिर जिन्होंने सिर्फ एक ही डोज लगवाया है उन्हें कहाँ पर रुकना होगा, उन्हें कहाँ पर रोका जाएगा? बिल्कुल, इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जो डबल डोज वाले हैं वो कहीं भी आ जा सकते हैं, क्योंकि उनको छूट है शुरू से, क्योंकि उन्होंने पूरा अपने प्रतिक्रिया पूरी करी। लेकिन जिन सिंगल डोज जिनको लगी है अभी पूर्ति नहीं हुई, उनको ऑफिस में भी रोकने की अनुमति दी गई थी पहले भी से, लगातार चला रहा है, ज्यादा जगह ना घूमे तो उनको भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए जरूर है कि अब डीडीए में जो फैसला देगा, जो लिस्ट तैयार की जाएगी, उसमें जो भी खुलासा होगा उसके तहत दिल्ली सरकार फैसला लेगी। ठीक है अजय, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।